वेलकम टू यूट्यूब चैनल आशा सक्सेना। आज हम आपको हेयर कटिंग करते समय किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, तो एक सेल्फ पार्लर खोलने के लिए जो हेयर कटिंग का सामान हमको परचेज करना होगा वो आपको गाइड कर रहे हैं। तो ये सामान हम आपको बताते हैं, जो चीजें नेसेसरी हैं वही हम खरीदेंगे, क्योंकि लार्ज स्केल पे आप धीरे धीरे जैसे जैसे सेट होते जाएंगे तो आप वो सामान खरीद सकते हैं। तो हम यहाँ सेलेक्टेड चीजों को बता रहे हैं कि हेयर कटिंग करने से पहले किस सामान की, किन चीजों की हमको आवश्यकता होती है, और वो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको, डेमो के रूप में दिखा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमको हेयर कटिंग शीट की आवश्यकता होती है। तो हेयर कटिंग शीट आप मिनिमम 4-5 ले लीजिए, इतनी तो जरूरी होती है, क्योंकि अगर किसी के हमने हेयर कटिंग शीट को यूज किया तो उसको वॉश करना जरूरी होता है, तो आप इसको ले लीजिए। डिस्पोजेबल भी हेयर कटिंग शीट आती हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन पहले आप, हमारा सजेशन है कि इन्वेस्टमेंट जो मनी का है वो आप कम से कम करके फिर आप खोल सकते हैं। तो यहाँ हमने देखिए 5-6 के लगभग की शीट बताई है, तो ये इस तरह से होती है। हम एक खोल कर बताते हैं आपको, इसका ये लुक आता है और ये हेयर कटिंग शीट आप ले सकते हैं। ये टेलकम पाउडर है, टेलकम पाउडर हमको आवश्यक होता है हेयर कटिंग के बाद में। हम टेलकम पाउडर लगाकर, कई बार बच्चे हिलते हैं, ये गर्दन पर बाल आ जाते हैं, बॉय कटिंग होती है, तो उसमें फिर हम टेलकम पाउडर लगा के ब्रश की सहायता से, जैसे ये है ब्रश, ये है कोई सा भी इस तरह का ब्रश हो, तो हम उससे हेयर को झाड़ते हैं। तो ये भी बहुत आवश्यक चीज है। दूसरा मेन जो चीज है वो सीजर है। सीजर कई तरह की आती हैं, हल्की क्वालिटी की भी आती हैं। यहाँ हम आपको दो तरह की सीजर बताएंगे। ये लोकल सीजर है, लोकल मीन्स कम रेट वाली है, जो 100 के अंदर की सीजर है, और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी की सीजर है, जिसको हम कभी भी धार की आवश्यकता नहीं होती है, शार्पनेस के लिए हमको धार नहीं रखवानी होती है, और इसको हम फ्रीजर में रख देते हैं तो वही इसका जो शार्पनेस है सीजर की फिर से बरकरार हो जाती है। तो मेरा सजेशन यही है कि इस तरह की ही क्वालिटी वाली चीजों को, चाहे आप कम क्वांटिटी में लें लेकिन क्वालिटी का विशेष तौर से ध्यान रखें, तो ये सीजर बहुत अच्छी है। लगभग के अंदाज का हम बता रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तो काफी टाइम से है, तो ये 350 या 450 के लगभग की सीजर है और बहुत अच्छी है, कोई इसमें खराबी नहीं है, धार की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये सीजर है, आप स्टार्टिंग में 2-3 सीजर ले सकते हैं। और ये सेक्शन क्लिप है, सेक्शन क्लिप कई तरह के आते हैं, ये भी है, ये है, ये भी सेक्शन क्लिप है, ये इस तरह के हैं, तो आप किसी भी तरह के ले सकते हैं। हेयर कटिंग में सेक्शन क्लिप का भी अपना योगदान रहता है, हेयर को सेक्शन क्लिप के जरिए हम सेट कर देते हैं, रोक देते हैं, जिससे कि मिक्स ना हो हेयर। ये भी क्लचर है, तो ये भी काम आते हैं, जब हम स्टेप में लेते हैं हेयर को, तो ये सेक्शन क्लिप के अलावा हम इसको भी ले लेते हैं, तो इनसे भी हेयर सेट रहते हैं, इनसे भी हेयर मिक्स नहीं होते और हम लॉक कर सकते हैं। ये टेल कॉम है, इस तरह के आप 5-6 के लगभग ले सकते हैं स्टार्टिंग में। टेल कॉम का काम जैसा कि है क्लियर कि ये टेल के रूप में है, तो पार्टिंग करने में बहुत ही क्लियरिटी के साथ में इस टेल कॉम से हम हेयर की पार्टिंग करते हैं, जो हेयर कटिंग में हमारे हेल्प करती है। अगर हमारी पार्टिंग अच्छी है हेयर की, तो हमारी हेयर कटिंग भी अच्छी होगी, और पार्टिंग के अनुसार ही हम हेयर सेटिंग भी आसानी से कर सकते हैं। तो टेल कॉम का काम हेयर को पार्ट करना होता है, डिवाइड करना होता है, सेक्शन करना होता है।
ये सिंपल कॉम है, ये हमारा कटिंग कॉम है, जिससे कि हम डबल पर्पज हमारा हल होता है। इस साइड से हम पार्टिंग भी आसानी से कर सकते हैं और कितने भी हैवी हेयर होते हैं बहुत इजीली हम सारे हेयर को उठाकर लेयर में भी कर सकते हैं किसी भी तरह से। ये कटिंग कॉम है, ये सबसे ज्यादा काम में आता है। ये जेट कॉम है, ये देखिए, ये कई तरह के आते हैं, टेल वाला भी आता है, वैसा भी आता है, तो ये भी सबसे ज्यादा काम में आता है। क्योंकि हेयर कटिंग से पहले हम हेयर को सुलझाते हैं तो इसी कॉम से सुलझाना चाहिए, जिससे कि क्लाइंट के पेन भी ना हो और उलझे हुए हेयर बहुत इजीली सुलझ जाए। ये वाटर स्प्रे है, वाटर स्प्रेयर देखिए कई तरह के हैं, आप किसी भी तरह का ले सकते हैं और ये बहुत ही हेयर को गीला करने के काम में आता है। ये ब्रश है, इसके अंदर पाउडर, हम टैल्कम पाउडर भर देते हैं और जिससे कि जब हम बच्चों की हेयर कटिंग करते हैं या बड़ों की करते हैं तो नेक से बड़ी इजीली पाउडर भी निकलता रहता है, हमको अलग से नहीं लेना होता है और हेयर को हम झाड़ने के काम में इसको लेते हैं। ये हमने बताई दिया आपको, वाटर स्प्रेयर है, बॉटल किसी भी तरह की आप ले सकते हैं। ये फ्लैट कॉम है, हम इससे भी हेयर को सुलझाएंगे। अगर हमको ड्रायर या सेटिंग नहीं करनी है, हम इससे कॉम करके किसी भी तरह से मोड़ सकते हैं तो बहुत अच्छा है, सुलझाने के भी काम आता है। ये मतलब हेयर कटिंग में हमको इस तरह की कॉम रखना आवश्यक है। ये राउंड शेप में है, हमने ड्रायर नहीं किया, सेटिंग नहीं की, लेकिन हल्के से नमी वाले हेयर हैं तो हम उसको इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। एक हमने वीडियो पोस्ट किया था कि हमने कोई ड्रायर नहीं किया, रॉड सेटिंग नहीं की किसी भी तरह की, लेकिन फिर भी प्लेन जो हेयर कटिंग हमने की थी उसको हमने सेट करके बताया था, शायद यू शेप का हेयर कट था हमारा, और हमने सिंपल इसको हल्के से गीले हेयर को इस तरह से इसको हमको टर्न करना है, ना कि इसको खींच के करना है, इसको टर्न करना है, और बहुत अच्छे हेयर हुए थे। आप लोगों ने भी तारीफ की थी कि बहुत पसंद आया, तो ये कॉम बहुत जरूरी है। अभी हमने केवल हेयर कटिंग में, हेयर कटिंग करते समय जिन चीजों की आवश्यकता होती है उसको डिस्प्ले किया है, और हेयर सेटिंग के टाइम पे जिन चीजों की आवश्यकता होती है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डेमो करके बताएंगे, पेश करेंगे आपके सामने, जरूर आपको पसंद आएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि सारे वीडियो आप स्टार्टिंग से एंड तक वॉच करिए, तभी समझ में सब कुछ आएगा। हम एक पार्लर खोलने के लिए आज हमने आपको हेयर कटिंग से पहले जिन सामान की आवश्यकता होती है, नेसेसरी वाले हमने सामान को आपके सामने डिस्प्ले किया है कि एक पार्लर खोलने के लिए हमको इन चीजों की तो बहुत ही आवश्यकता होती है, और हमको ये कम सामान में, कम खर्चे में हम किस तरह से हेयर कटिंग का सामान जो हमने बताया है वो हम परचेज करके स्टार्टर के रूप में इस सामान से हम ले सकते हैं पार्लर में, और स्टार्टिंग में हम इस सामान से आराम से हेयर कटिंग का काम कर सकते हैं। तो विश्वास है आपको जरूर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा हमारा समझाने का तरीका, तो बिल्कुल। और नेक्स्ट वीडियो में हम हेयर कटिंग के बाद में हेयर सेटिंग किस तरह से करेंगे, किन चीजों से करेंगे, किस सामान से करेंगे, किन मशीनों से करेंगे, वो सब सारा आपको बताएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो हमारा वॉच जरूर करिए, और लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे।